हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये करीब एक हफ्ते पहले का वीडियो है। मतलब मैं बीमार नहीं हुई थी, उससे पहले का ही वीडियो है, और जो कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, तो आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और अभी देखिए, दोपहर का समय हो चुका है, और यहाँ पर देखिए, सिवा से बस वही अपना तस्वीर जो साइड में था वो मैं सामने लगवा रही हूँ। और कुछ चीज़ें मंगाई हूँ मैं मीशो ऐप से, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं अपने ये बेडरूम का मेकओवर करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और अभी मेरी तबीयत जो है एकदम से ठीक नहीं हुई है, और ये सब क्लिप मैं पुराना है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और तो यहाँ पे जो है सिवा नाप करके ये तस्वीर का जो होल्डर होता है वहाँ पे करेगा, उसके बाद ये दीवार पर टांग देगा। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ भाई बहन मेरे कमेंट में आ करके मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। तो अभी मेरी तबीयत एकदम से ठीक नहीं हुई है, अभी मैं दवा खा रही हूँ, और अभी मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट करने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब रेस्ट की ज़रूरत है, और अभी मैं बिल्कुल से भी वीडियो ब्लॉग बनाने के मूड में नहीं हूँ, और ना ही मैं कर पाऊँगी जब तक कि मेरी पूरी अच्छे से तबीयत नहीं हो जाती है ठीक। तब तक मैं ये ऐसे ही आप लोगों के साथ, ये पुरानी वीडियो रखी हुई थी तो मैं सोची चलो डाल देती हूँ, बाकी जब मेरा तबीयत सही होगा तभी मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सिवा ने तस्वीर जो है टांग दिया है, और आप लोग देखिएगा, मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ दोस्तों, बोल कुछ और रही हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। और दोस्तों, ये दूसरा दिन है, जब जिस दिन मैं बीमार हुई थी उसी दिन का ये क्लिप है। तो देखिए, उस दिन मैंने पूरा ब्लॉग जो है नहीं कर पाई थी, बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि उस दिन से ही थोड़ा थोड़ा मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो ये देखिए, सुबह का समय है, और मैंने बाल धुला था, तो मैं बाल बना रही हूँ, और अभी अपना किचन का भी काम करने वाली हूँ। और मुझे बिल्कुल से पता नहीं था कि मेरी तबीयत भी दोपहर तक इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि मैं ब्लॉग जो है पूरा नहीं कर पाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम चलते हैं बनाने ये मूंगफली दाने की चिप्पड़। तो पहले हम मूंगफली के दाने को भून लेंगे। यहाँ पे देखिए, कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, तो इसको दीपांश भून रहा है। भूनो दीपांश। को अच्छे से भून लेना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमने जो है मूंगफली का दाना भून लिया है, और अब कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़। ये देखिए, मूंगफली के दाने को हमने भून करके इसका छिलका जो है उतार लिया है, और आप चाहें तो चीनी का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ का बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, गुड़ हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हम फोड़ लेते हैं कि जल्दी से गल जाए। थोड़ा सा पानी डाल दो कि जल्दी से गल जाए। पानी नहीं पड़ेगा, तो मैं जाऊं। तो देख सकते हैं दोस्तों, गुड़ हमारा पिघल चुका है, और इसको हम थोड़ा सा और पिघलाएंगे। अभी देखिए, बीच बीच में है, और इसमें हमने थोड़ा सा चीनी भी डाल दिया है। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। हमको गुड़ जो है कम लग रही थी, तो इसलिए हमने चीनी डाला था। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे,
जब तक कि इसमें तार ना छूटने लगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये गुड़ हमारा बिल्कुल से तैयार हो चुका है, ये एकदम से चाशनी बन करके एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसी में डाल देंगे ये मूंगफली का दाना, थोड़ा सा हम ऊपर डालने के लिए बचा दे रहे हैं, और हम मूंगफली के दाने को मिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों एक ट्रे में हम तेल लगाए हुए हैं, तो इसी ट्रे में हम इसको पलट देते हैं। और ये मूंगफली का दाना है ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा। और इसको हम ठंडा होने देते हैं, फिर आपको हम इसको निकाल करके दिखाएंगे पूरा। तो देख सकते हैं दोस्तों, टिप्पण हमारा उड़ चुका है और कितना मोटा ये बना है, ये देखिए। तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरीके से। अब कर दो। तो ये रहा दोस्तों हमारा चिप्पड़ बन करके है तैयार। आप लोग भी ऐसे बनाइए और खाइए और खिलाइए। तो दोस्तों जो चिप्पड़ मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया है वो पुरानी क्लिप थी, मतलब खिचड़ी के दिन का क्लिप था, मकर संक्रांति के दिन का। और वो चिप्पड़ मैंने रात में बनाया था और बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा वो मोटा हो गया था, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी कि मैं थोड़ा बड़ा बर्तन में उसको पलटती तो वो थोड़ा पतला बनता, तो मेरे पास और बड़ी ट्रे नहीं थी तो उसी ट्रे में मैंने पलट लिया था, इस वजह से वो थोड़ा मोटा हो गया था। बाकी अच्छी बनी थी और कोई दिक्कत नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।